हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई फैमिली गार्डन इन होम में। और फ्रेंड्स, देखिए मेरे यहाँ जो फ्रंट गार्डन बना हुआ था, अभी कुछ दिनों से उसका काम चल रहा था। मैंने वीडियो भी डाले हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और उस गार्डन में देखिए और क्या काम हुआ है, क्या क्या काम हो गया है, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गार्डन में मिट्टी डल गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन उस मिट्टी में फ्रेंड्स हम लोगों ने गोबर की खाद ऐड करवाई है। और उसकी गुड़ाई करने के बाद देखिए इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट लगा दिए हैं, कुछ ही लगे हैं अभी। देखिए जैसा लगा है इस गार्डन में आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए इसमें थोड़ी सी प्याज लग गई है, हालांकि प्याज जल्दी होती है क्योंकि ये पहले से ही आधी जर्मिनेट हो चुकी होती है, और उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया है। और ये देखिए टमाटो प्लांट है, कुछ प्लांट हमारे यहाँ फ्रंट गार्डन में लग चुके हैं। ये छोटा सा पपाया प्लांट है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से गार्डन दिख रहा है। और इसकी मिट्टी अब पानी डालने से सेट होती जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी गार्डनिंग इस तरीके से क्यारी वगैरह बनाते हैं जैसे, तो आप इसमें सूखे पत्ते भी ऐड करवा दें। हम लोग अभी ऐड करेंगे, लेकिन अभी इस बार हमने गोबर की खाद ऐड करवाई है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अब इसके बाद हम लोग गोबर की खाद भी इसमें ऐड करवाया किए हैं, उसी तरीके से इसमें सूखे पत्ते भी ऐड करवाया करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे पौधे लग गए हैं, और ज़मीन में जल्दी भी इनकी ग्रोथ होती है। आप लोग जानते होंगे केयर भी थोड़ा सा कम होती है गमलों से, गमलों में केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और देखिए ये हमारा एलोवेरा प्लांट है, और इस तरीके से हमने छोटे छोटे पौधे अभी लगाए हैं, और इनमें थोड़े से सीड भी डले हुए हैं। काफ़ी चीज़ें बोई हुई हैं, लेकिन अभी उनमें टाइम लगेगा निकालने में क्योंकि ठंड पड़ने लग गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रखे हुए हैं मेरे प्लांट हैं, ये सीढ़ियों में रखे हुए हैं। और देखिए सीढ़ियों में रखे हैं, और जो छोटे छोटे डिब्बों में भी लगे हुए थे तो बड़े अच्छे से हो रहे हैं, और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। इनमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने लिक्विड खाद जो गोबर की बनाई थी उसका यूज किया है। आप लोग देख सकते हैं प्लांट, इनमें एक ही दिन में अंतर दिखने लगा है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है लिक्विड खाद का, तो देख लें, बहुत अच्छी खाद होती है। उसमें देखिए पौधों का रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट पौधों में आपको दिख रहा होगा, अलग ही आज ये पौधे दिख रहे हैं। इस तरीके से आप लोग भी अपने प्लांट में करें। और चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा से मैं आप लोगों को छत का दिखा देती हूँ। ये देखिए छत में जो रखे हैं प्लांट, ये हैं कुछ इस तरीके से मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। अभी इसका और अच्छे से हम लोग को अरेंज करना है इसका। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, काफ़ी सुधार करना बाकी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये थोड़ी सी देखिए, हमने एक छोटा सा गुड़हल का लगाया हुआ था कटिंग, लग चुकी है छोटी सी डंडी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये नींबू का प्लांट है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। शायद इस बार अब इसमें फूल आए, देखते हैं कब तक में आते हैं। और कुछ प्लांट थे जिनको दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना था क्योंकि कटिंग लगी हुई थी कुछ, और हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ था। ये फ्रेंड्स छोटा सा हमारे गार्डन का ओवरव्यू। ये देखिए कनर लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अदरक लगी हुई है, और इसमें देखिए आलू लगी हुई है। और फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से गार्डन को अभी रखा हुआ है। इसमें टमाटो भी आ गए हैं, और देखिए प्लांट किस स्थिति में है, कैसे दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।